सर वेट होगा 1122.5 मेट्रिक टन्स एंड नंबर ऑफ बेल्स 2245। थोड़ा फर्क है इसका, वेट ऑफ द बेल्स इज 1152.5। सर 2305 सर नंबर ऑफ बेल्स। यस यस सर 2305। या ओके सर। चेक कीजिए थोड़ा सा। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। वैसे तो इस फिगर से आपको क्लियर हो जाना चाहिए सब कुछ। एंड आपका जो पहले वाले उसमें था ना क्वेश्चन, हु वाज दैट पीजे, आई फॉरगॉट योर नेम यार, लास्ट क्वेश्चन में जब आप कह रहे थे बेल कैपेसिटी को अगर मैं हाइट से डिवाइड कर दूं तो, पीयूष और किसने पूछा था? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बच्चे बोलो। सर ये डाउट था सर, जैसे हम शिप साइड में डनेज लगाते हैं पर जो फॉरवर्ड एंड आफ्ट बल्क हेड है सर उनमें भी तो हम डनेज लगाएंगे शायद सर उन्हें बचाने के लिए। नो 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 बच्चे, ये जो आपकी साइड बैटन है, जिसे हम साइड बैटन कहते हैं, दे आर बेसिकली ओनली ऑन द साइड्स, ओके? फॉरवर्ड एंड आफ्ट बल्क हेड पे नहीं कुछ भी होता। ओके सर। सर ये देखो, ये फ्रेम्स है ना, फ्रेम के ऊपर ऐसे एक हुक जैसी लगी होती है, जस्ट उसके अंदर आप इसको निकाल भी सकते हो। दिस इज अ लिटल थिक वुड, सो ये छोट यहाँ तक पीस होंगे, मे बी इतना लंबा पीस होगा, सो यू कैन टेक दिस आउट ऑल्सो। बाई चांस डैमेज हो जाए तो हम इसको नया भी डाल सकते हैं, बट ये जो वुड है इस वुड से अलग होती है, ये तो इट्स अ वेरी चीप क्वालिटी, ये जो है अच्छी, दिस इज लाइक अ परमानेंट थिंग, ये शिप की परमानेंट डैमेज होती है, बट इट इज़ नॉट नेल्ड, इट्स कैन बी रिमूव्ड, बट इससे थिक होती है ये। That's why he has given you 20 centimeter away. Forward and aft bulkhead पे नहीं, side bulk sides पे होती, ship side पे होती। इसके दो मेथड हैं, या तो आप डनेज की स्पेस और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय डनेज और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय साइड बैटन्स उसको टोटल स्पेस में से माइनस कर दीजिए, या आप अपनी डायमेंशन से पहले चेंज कर लीजिए। तो दोनों मेथड से आई थिंक आंसर आपका सेम ही आना चाहिए। सर एक प्रॉब्लम है सर। हाँ बच्चे बोलो। सर आपने जो पिछले क्लास में वो कारपेट वाला क्वेश्चन कराया था सर, सर तो उसमें आपने कहा था कि जैसे जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कारपेट लेकर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग कारपेट को काट कर तो नहीं करेंगे, तो सर फिर यहाँ जब हम मशीनरी केस जो हम लोड कर रहे हैं सर,
तो उसमें भी कुछ वॉल्यूम तो हमारा एक्चुअल कार्गो, अगर हम अगर इस क्वेश्चन को अगर एक्चुअल मतलब शिप पे अगर ऐसे लोड करें कार्गो को, तो कुछ वॉल्यूम स्पेस तो सर हमारा इसी में चल जाएगा सर। यस वेस्ट होगा, इसीलिए उसने ये देखो ना यहाँ दे दिया अभी था ब्रोकन स्टोरेज 20%। ओके सर, वहाँ पे हमें उसने ब्रोकन स्टोरेज नहीं दी थी, यहाँ पे उसने ब्रोकन स्टोरेज दे दी कि 20% ऑफ द स्पेस जो है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी इस कार्गो को जब आप लोड करोगे तो, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द कार्गो। ओके सो प्रैक्टिकली तो ये क्वेश्चन अलग है, प्रैक्टिकली तो अगर आप मेरे को पूछिए ये जो 50 मशीनरी केसेस हैं, सो मशीनरी केसेस के नीचे, केसेस में मशीनरी होगी तो उसके नीचे वैसे ही डनेज होती है, isn't it? तो ये तो सिर्फ उसने क्वेश्चन बनाया आपको दैट यू आर फेमिलियर विद यर स्पेस को कैसे यूटिलाइज करना है, और अगर बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो उसको कैसे माइनस करना है, isn't it? तो यहाँ पे इसलिए उसने दे दिया कि ब्रोकन स्टोरेज यार ईस्ट केस का वॉल्यूम इतना आ जाएगा, आपने ईस्ट केस का वॉल्यूम निकाल लिया, आप उसको 50 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपने उसका वॉल्यूम निकाल लिया, बट मशीनरी केसेस जो हैं डेफिनेटली अलग अलग साइजेस के होंगे, सो 20% ब्रोकन स्टोरेज क्वाइट अ लॉट, सो इसलिए उसने कह दिया भी ये थोड़ी इतनी स्पेस लेगा 50 इंटू दिस प्लस 20% ऑफ दिस स्पेस। ओके जी सर, थैंक यू। ठीक है बच्चे, हो जाएगा सबका, बताओ फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। यस सर। चलो एक पुराने टाइप वाला है, एक आज के लिए ये लास्ट करते हैं, अगर सबने कर लिया है। तो इसमें एक एडिशनल चीज दे दी उसने टू कैलकुलेट द फ्रेट,
पिछला वाला बच्चे सबका हो गया या बोर्ड पे करके दिखाऊं? है क्या कहते हो? लास्ट क्वेश्चन सबका हो गया या यू वांट मी टू डू इट ऑन द बोर्ड? हो गया था सर। एनीबॉडी? चलो ठीक है, ठीक है, नहीं आएगा तो बता देना, आई विल शो यू देयर ऑन द बोर्ड कैसे करना है। वैसे तो सिंपल है, चलो ये थोड़ा सा ये भी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है। इसमें जरा देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर क्या है आंसर? सर कार्गो अवेलेबल टोटल टोटल मनी कितना है सर? टोटल है गेस 206,999.8। स्टील का है 342.857। हाँ जी स्टील बिलेट्स का सर
342.857 और कॉटन का सर 1307.143. दिस इज द वेट यू आर सेइंग ना? यस सर. हां जी सर. और सर मेरे ख्याल से आपके कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज चेक कर देखते हैं. आपकी कितनी आ गई बेल कैपेसिटी? 3900. यस सर. मैक्सिमम लोड 1650. यस सर. ठीक है. सो एस प्लस सी 1650, सी हमने उसकी वैल्यू ले ली 1650 माइनस एस, तो मेरे पास आ गया आपका स्टील बिलेट्स 342.86 एंड कॉटन बेल्स 1307.14. करेक्ट? यस सर. आपने कॉटन बेल्स में ये 2.8 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? कॉटन बेल्स को यहाँ नीचे 2.8 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए. कॉटन बेल्स फ्रेट इज $50 पर मीटर क्यूब. ओके सर. एंड दिस इज $70 पर टन. अच्छा अच्छा. ओके सर. ओके ओके. हो गया सर. ओके. यही तो था. 206.995 आ रहा है. 0.5. 206.995. आप तो बहुत अमीर हो गए यार, इतने सारे डॉलर कमा लिए आपने. नहीं यस सर. 206.998. ओके सो स्क्रीन सर. हाँ जी सर. मेरा थोड़ा आंसर अलग आ रहा था सर. सर सेकंड पार्ट वाला मैंने सर थोड़ा अलग तरीके से किया था कि सर मतलब एक को मैंने मान लिया m1 + m2 = 1650 करा सर. तो मैंने मतलब दोनों मासेस को लेके उसे इक्वल टू 1650 रखा, तो एक वॉल्यूम में हो गया हमारा x और दूसरा वॉल्यूम 3900 माइनस x. तो सर x अपॉन 0.7 प्लस 3900 माइनस x अपॉन 2.80 इक्वल टू 1650. इससे मेरा सर पहला पार्ट आ गया सर 342.857, पर दूसरा वाला 1270 आ रहा है, वो गलत आ रहा है सर. तो अच्छा टोटल वेट है ना, टोटल तो आप मैक्सिमम 1650 ही लोड कर सकते हो. अगर आपका एक ठीक आ गया 342, तो अदर कार्गो विल बी द मैक्सिमम 1650 माइनस इसी को करना है आप. अच्छा ओके. हां वो टोटल वेट का मैक्सिम नहीं कर सकते, 1650 है. सो आपने एक निकाल लिया स्टील ब्लेड 342, बाकी वाला कॉटन ब्लेड. यस सर. क्योंकि सर अगर मैं वैसे निकाल रहा हूं कि 3900 माइनस 342.857 अपॉन 2.80 तो आंसर ज्यादा आ रहा है, वो एक्सीड कर जाएगा सर. ओके यस. सर एक मुझे लास्ट स्लाइड दिखा रहे थे. सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा सकते, प्रीवियस स्लाइड. वो तो क्वेश्चन है बच्चे. नहीं सर, आंसर का फर्स्ट स्लाइड. आंसर का तो यही है बच्चे, फर्स्ट. ये लिखने की जरूरत नहीं. स्ट्रेट वे बेल कैपेसिटी इज गिवन टू यू, लोड डेंसिटी इज गिवन टू यू. सो मैक्सिमम लोड फॉर द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लोडेड. ठीक है. सो मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं. सो प्लीज थोड़ा सा समझिए, ठीक है, और रटना नहीं उसको कि क्या करना. समझ गए अब आपको वेट एंड वॉल्यूम में कि हाँ यार मेरे पास स्पेस कितनी है शिप पे, होल्ड में स्पेस की. आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट आइडिया. एनी बडी हैज गॉट अ डाउट जिन्होंने टैंकर्स किए कि यार ये डनेज, ये साइड बैटर्न, ये बेल्ट कैपेसिटी, क्यूबिक कैपेसिटी,
ग्रेन कैपेसिटी पर टैंकर पे तो क्यूबिक कैपेसिटी हैंडल कर रहे हो. ओके सो किसी को भी कुछ डाउट है प्लीज डोंट हेजिटेट. ये स्टेज आपकी है. एक बार ये चीज आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए कोई भी क्वेश्चन आने दीजिए. दे कीप ऑन चेंजिंग द फिगर्स, दे कीप ऑन चेंजिंग. ये देखो तो आपने अगर इसको ठीक तरह से अंडरस्टैंड किया देन वेरी गुड. इसलिए मैंने आपको ये स्केच भी दिखाया यहाँ पे कि यस कि बेसिकली क्या हो रहा है. इट इज़ ओनली फॉर दोज पीपल. अब जिन्होंने ठीक है जनरल कार्गो शिप देखे हैं या बल्क कैरियर्स किए या कंटेनर शिप किए, सो दे आर अवेयर कार्गो होल्ड क्या होता है. अब टैंकर्स वाले हैं कि यस अभी आपका एक्सपीरियंस भी कम है सो इसलिए आपको हो सकता है इमेजिन करना मुश्किल हो. इसलिए कहीं पे भी डाउट है प्लीज डोंट हेजिटेट. क्लास का मतलब ये है कि हर चीज़ मेरे को समझनी है फिर मेरे को उसको करना है. चलो हो गया सबका कि एनीबडी स्टिल डूइंग इट. हो गया सर. चलो गुड. एक और था अभी टाइम है वी कैन डू दिस. 5, 10, 15, 20, 25 यस ठीक है. ये भी क्वेश्चन है दो तीन तरह से आता है बट लिख लीजिए इसको एंड जरा अटेम्प्ट कीजिए. डेड वेट इज गिवन, आर ओ बी इज गिवन, स्पेस की कैपेसिटी इज गिवन एंड आपको ग्रेन एंड कॉटन बेल्स लोड करनी है. इसका दूसरा पार्ट समझ नहीं आया सर. ये इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं सर? कैलकुलेट हाउ मच ऑफ ईच कमोडिटी कैन बी लोडेड इफ द वेसल इज ऑन हर मार्क्स. तो मतलब सर फुल लोड हो गया सर? यस यस दैट शी इज फुली लोडेड. उसका आपको उसने डेड वेट दे दिया सो दैट मींस ये डेड वेट पूरा होना चाहिए. इससे ज्यादा नहीं हो सकता इजंट इट. दैट इज द मीनिंग ऑफ मार्क्स. मतलब सर अभी एट प्रेजेंट इन्होंने फुल लोड करके इतना डेड वेट लिया है सर? यस. ओके सर.
क्या बोलिए, गो अहेड सर। इनमें ये जो चारों कैपेसिटीज हैं, ये सर हमारी ग्रीन कैपेसिटी है सर। या या कार्बोनेटेड सर हाँ जी बोलो सर 3409 और 820 सर आया मेरा करेक्ट हाँ यस सर आप इस पर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे यस सर वो समझ नहीं आया सर
सर चारों में 482 मीटर क्यूब कॉटन बेस डाल देंगे, उसके बाद रिमेनिंग हम लोग ग्रेन डाल सकते हैं चारों होल्ड में। अच्छा द्वारा से बोलिए चारों होल्ड में क्या करेंगे? सर पहले बेस डाल देंगे 482 मीटर क्यूब समथिंग, और उसके बाद फिर ग्रेन डाल देंगे सब में। कॉटन बेस के ऊपर आप ग्रेन डाल दोगे? सर ग्रेन डाल देंगे पहले फिर कॉटन बेस डाल देंगे। कितना कितना टन्स डालोगे? बस आपको दिखाना है हाउ शुड द कार्गो बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने टन कौन से होल्ड में। हाँ जी बच्चे बोलो। सर जो इनकी कैपेसिटी हम उनके रेशियो में डाल सकते हैं सर, अगर हम उसको इस हिसाब से डिवाइड कर दें सर कि इनका कॉमन रेशियो निकाल के सर, जैसे मान लो हर एक में अगर हम एक्स लोड करेंगे तो 132x प्लस 197.2x प्लस 205x प्लस 153x इज इक्वल टू 3409.44। देखिए मैं इस क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन सिंपल है। अगर आप अपनी कॉटन बेल्स की देखिए कितनी आ रही है आपकी कॉटन बेल्स, हाउ मेनी टन्स सर? 820.5। ओके 820.5 एंड उसका स्टोरेज फैक्टर कितना है? 2.35 इज इट? हां जी। स्पेस चाहिए 820 × 2.35, I think 1927 something. Cotton bales require how much space? So मेरा 1928 आ रहा है। Yeah, okay, 1928. चलो आप उस पे चले, मैंने 820 दिया, 820 पॉइंट समथिंग है, सो 1928। अभी मेरे नंबर टू होल्ड की कैपेसिटी कितनी है? 1972। उसके अंदर मैं पूरी कॉटन बेल्स डाल देता हूँ, isn't it? Assuming, चलो उसने ये तो एक न्यूमेरिकल दिया है, assuming, ये तो वैसे क्वेश्चन है, assuming कि ये जो 1972 है ये ग्रेन कैपेसिटी है, तो बेल कैपेसिटी वैसे ही कम होगी थोड़ी सी, पर मेरे को चाहिए भी थोड़ी कम है, 1928 मैं इसमें डाल देता हूँ, पूरा कॉटन बेल इसमें आ गया, बाकी वालों में ग्रेन डाल देते हैं।
यस और नो? ओके सर, इसमें ये नहीं देखेंगे कि बीच में छोड़ लाइट कार्गो आ गया, ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं, मतलब सिंपल का है, ठीक है, आज के लिए तो इतना ही है, बट हो सकता है इस क्वेश्चन को क्या भी देखिए, यस, जैसे ग्रेन लोडिंग होती है कि भी आपको सारे होल्ड्स में ग्रेन भी डालनी है और कॉटन बेल्स भी डालनी है, फिर क्वेश्चन अलग हो जाता है, बट इस क्वेश्चन में तो उसने कहा भी ठीक है, हाउ मच ऑफ ईच कार्गो यू हैव कैलकुलेटेड 820 एंड सम 3409, ये दो कार्गो हम लोड कर सकते हैं, इतनी ग्रेन इतनी कॉटन बेल्स, अब उसको हाउ आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट 1, 2, 3, 4, 5, मैंने सबके लिए स्पेस निकाल ली, सबसे पहले मैंने कॉटन बेल्स के लिए निकाली, या उसको 1928 मीटर क्यूब चाहिए, मेरा नंबर टू होल्ड जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो पूरे मैं कॉटन बेल्स उसमें डाल देता हूँ, बाकी रेस्ट ऑफ द होल्ड्स आई कैन फिल अप विद ग्रेन, ग्रेन की रिक्वायरमेंट भी है कि होल्ड जो है फुल होने चाहिए, अगर फुल नहीं होते फिर उसको हम ओवर स्टो करते हैं या कुछ और करते हैं, वो ग्रेन में पड़ेंगे, तो ऑल द थ्री होल्ड्स आर फुल विद ग्रेन, उसकी मैं कैपेसिटी निकाल सकता हूँ कि भाई कैपेसिटी वाइज है आपके पास नंबर ऑफ टन्स आ गए, नंबर वन में सो मेनी टन्स, नंबर टू में सो मेनी टन्स, नंबर फोर में सो मेनी टन्स ऑफ ग्रेन एंड नंबर टू 820 वट एवर दैट वैल्यू सो मेनी टन्स ऑफ कॉटन बिल्स, तो ये आपने प्लान बना के चलो, व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम ऑफकोर्स नेक्स्ट, चलो टुमारो आई प्लान सॉल्यूशन दिखा देंगे, वो तो या कैलकुलेशन इज सेम, डेड वेट ऑफ द वेसल 5080। हाँ जी ठीक है सर, फिर और थोड़ा 43 टन कुछ बच भी जाएगा ट्रेन के बाद, वो तो लोडेड इज 4230, स्पेस अवेलेबल इज 687 मीटर क्यूब, उसी तरह से मैंने किया क्वांटिटी ऑफ ट्रेन जी टन्स एंड क्वांटिटी ऑफ कॉटन बेल सी टन्स, उसे मैंने 820.5 अदरवाइज इट इज ओके, दिस मच कार्गो विल फिट इन एंड बाकी वाले में आपकी आ जाएगी 4900, and this much of grain can be divided, total can be looked at. चेतन जरा माइक म्यूट कर लीजिए, या अंगद जिसका माइक ऑन है। हाँ जी बोलिए सर, अगर इस केस में हमें ये बेल कैपेसिटी और ग्रेन कैपेसिटी भी दी होती सर, और इन केस वो एक्सीड कर जाती तो फिर हम कैसे करते सर लोडिंग? तो एक्सीड नहीं कर सकते ना, स्पेस तो चाहिए हमें, अब यहाँ तो उसने दे दिया कि हमें कैपेसिटी दे दी है स्ट्रेट वे, उसने भी इतनी इतनी कैपेसिटी है 1320, ये इतनी, अब मैं इसके अंदर निकाल सकता हूँ कितने टन्स में डालूंगा, टन्स मैंने निकाल लिए बिकॉज मैं ये डेड वेट नहीं एक्सीड कर सकता, डेड वेट नहीं एक्सीड होना चाहिए, वो हमने पहले निकाल लिया कि दिस मच कार्गो ओनली 4230 टन्स ऑफ कार्गो आई कैन टेक फॉर वेसल टू बी फुल टू द कैपेसिटी डाउन टू द मार्क्स, एंड कैपेसिटी उसकी 6872 है, ये हमने पहले निकाल लिया, इसके लिए भी इतने मैट्रिक टन्स ऑफ ग्रेन एंड इतने मैट्रिक टन्स ऑफ कॉटन बेल्स। एक्सक्यूज मी, हां जी, सो सर इफ वी हैव ओनली द वॉल्यूम ऑफ द होल्ड्स गिवन इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन सेइंग दैट इट इज ग्रेन और बेल, सो वी अज्यूम इट एज ग्रेन कैपेसिटी। इफ इट इज सी, अगर आपको आता है डाउट कि यस द टाइप व्हाट टाइप ऑफ कार्गो इज गोइंग टू लोड, अगर तो वो कुछ नहीं मेंशन करता, ही जस्ट गिव्स की द डायमेंशन, जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखे डायमेंशन इज सो मच एंड देन यू आर गोइंग टू लोड स्टील बिलेट्स और कॉटन बेल्स, देन इट इज अज्यूम्ड इट इज अ बेल कैपेसिटी, इजंट इट?
बट सर एज इफ वॉल्यूम दिया है दैट मींस उसने जो डाइमेंशंस दी है मेरे को वो सारी की सारी बेल कैपेसिटी की दी है. बट सर इस केस में जिसमें दो कार्गो और एक ग्रेन के लिए होता है एक उसके लिए होता है. यस तो यहाँ पे अगेन वही आ गया कि इसीलिए हमने थोड़ा सा वॉल्यूम जो है उसने उसने कैलकुलेशन के लिए बनाया है ऐसे. इसीलिए उसने देखो ये 190 1972 दिया है कि आप 19280 लोड कर रहे हो. रेस्ट ऑफ द कार्गो मीन्स इट इज वेरी क्लियर दैट द कैपेसिटीज गिवन आर द ग्रेन कैपेसिटीज. तो यहाँ पे इंस्टेड आपको डाउट आएगा कि हाँ यार अगर मैं 1972 कॉटन बेल्स डालता तब तो मेरे मन में भी डाउट आना था कि यार 1972 तो इसकी ग्रेन कैपेसिटी है तो इसमें इतनी कॉटन बेल्स तो आएंगी नहीं. इसीलिए हमने 1928 उसने कैलकुलेशन की कि हाँ भाई तो ग्रेन को उसने कॉटन को कम कर दिया सो दैट इस कैपेसिटी से कम रहेगा और बेल कैपेसिटी कम आएगी. इजंट इट अदरवाइज आप लिख सकते हो ये एज्यूमिंग दीज आर द ग्रेन कैपेसिटीज गिवन एंड 1928 बिकॉज यू कैनॉट कैलकुलेट. तो इसीलिए वी आर लोडिंग 1928 ही लोड कर रहे हैं हम उसको फुल कैपेसिटी पे जा ही नहीं रहे 1972 तक जा ही नहीं रहे. ओके सो नहीं भी लिखोगे तब भी ठीक है अदरवाइज यू कैन राइट क्योंकि आई एम लोडिंग कॉटन बेल्स इन दिस होल्ड एंड इट इज ऑक्यूपाइंग लेस देन द फुल कैपेसिटी विच इज अज्यूम टू बी अ ग्रेन कैपेसिटी. ओके सर थैंक यू. अब इस क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता हूँ. इस क्वेश्चन को वो कह सकता है कि ओके ही वांट्स इट इज जस्ट सी प्रैक्टिकली इज डिफरेंट थिंग. नाउ यहाँ पे ही इज जजिंग यू द एग्जामिनर वांट्स टू जज यू कि आपको ये रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड वेट इतनी अच्छी तरह से आता है. अब वो कहता है कि चलो भी आपने तो एक में डाल दिया. अब वो कह सकता है कि नहीं यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस कार्गो. ओके आपके पास टन्स आ गए इतना मैं लोड कर सकता हूँ. अब ही में से that all the holds to be loaded with grain and cotton bales possible because grain mein hota hai ki agar mere sare hold agar partly filled hain I cannot sell then I have to secure this cargo ko main secure karna padta hai grain ko. So uska best method is the overstowing. So we overstow with this grain I mean cotton bales to fir bhi hum calculate kar sakte hain कि हाँ भाई कितनी मैं कॉटन बेल्स हर होल्ड में कितनी ग्रेन डालूंगा मैं कितनी कॉटन बेल डालूंगा वो हम अंतर कर सकते हैं कि यस जैसे चाहे आप रेशो ले लीजिए और चाहे मैं देखता हूँ कि 820 को मैंने चार होल्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो आई डिवाइड यार इतनी मेरे पास ग्रेन है तो उसको मैं चार होल्ड्स में डिवाइड करता हूँ. एग्जाम्पल आपके पास आ गया कितना था या 3409. सो 3409 को मैं 4 वोल्ट्स में डिवाइड करता हूँ. हो सकता है नंबर 1 एंड नंबर 4 आर स्मॉल उतनी मैं ग्रेन चारों में डाल देता हूँ. एम्प्टी स्पेस जो बची है उसके ऊपर मैं कॉटन बेल्स डाल देता हूँ. सो इट इज जस्ट कि भाई इतनी स्पेस है हाउ मेनी टन्स ऑफ कॉटन बेल इतनी स्पेस में ग्रेन आई. अगर वो पूछता है दिस इज आई एम अज्यूमिंग कि यस आई कैन मेक दैट क्वेश्चन कि हाँ सपोज आई वॉन्ट यू टू लोड ग्रेन एंड कॉटन बेल इन ऑल द होल्ड्स फिर आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे. तो ठीक है मेरे पास 3400 है मैं उसको चारों होल्ड में डिवाइड कर देता हूँ कैपेसिटी देख के कि ठीक है चारों होल्ड हैं फुल तो होंगे नहीं. जितनी एम्प्टी रिमेनिंग स्पेस बचेगी उस स्पेस को मैं स्टोरेज फैक्टर मेरे पास है मैं कॉटन बेल्स को डिवाइड कर देता हूँ कि इतनी इतनी कॉटन बेल इस होल्ड में डाल देंगे. ओके चलो देखेंगे नेक्स्ट जब हम करेंगे नेक्स्ट आई विल स्विच ओवर टू नेक्स्ट तो हम कंटेनर्स करेंगे. आई विल गो बैक टू द कंटेनर्स टॉपिक एंड कंटेनर्स खत्म होने के बाद आई विल टेक योर दिस कार्गो प्लान. अब आपने ये स्टोरेज समझ ली है इसके साथ हम एक 1 आवर का सेशन आई विल टेल यू कार्गो प्लान क्या होता है. उसका भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है दैट 2-3 कार्गोज आर गिवन एंड देन 2-3 पोर्ट्स आर गिवन देन हाउ विल यू स्टोर द कार्गो. ओके तो पहले कंटेनर्स कर लेते हैं उसी को आपको. हाँ जी सर मुझे आप क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन दिखा सकते हैं. हाँ जी सर क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 का क्या था क्वेश्चन नंबर 9. यस सर इससे पहले वाला आपने नहीं किया वो क्वेश्चन.
किया सर, लेकिन मेरा गलत आ रहा है। या क्वेश्चन नंबर 9 तो आपका वो था डनेज वाला ना? हाँ, डनेज वाले का सलूशन नहीं है मेरे पास, डनेज वाले की खाली फिगर थी आपके पास यहाँ पे, ये वाला ना जिसकी फिगर थी। ओके यार, कॉपी में किया हुआ मैंने। कितना आपका आंसर आ रहा है बच्चे? सर मेरा 820 हो, मैं सर स्टेप गलत हो रही है। ठीक है सर, मैं ले लूँगा करता हूँ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मिलेंगे तब मैं यहाँ पे आई थिंक तब तक मैं यहाँ उसको लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अभी मेरे पास मैंने अपनी नोटबुक में किया हुआ है, तो वो तो एक रफ इतना नीट नहीं है वो, सो लेट मी पुट इट हियर। ठीक है, तभी मैं आपको बार बार पूछता हूँ, इसने नहीं किया था, आई वुड हैव डन इट ऑन द बोर्ड है। चलो नेक्स्ट टाइम बोर्ड पे कर देंगे, 5 मिनट लगेंगे सर उसको। ओके या जस्ट रिमाइंड मी, आई विल टेक इट बैक दिस, इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ। अब शर्माना नहीं, कुछ भी है, किसी को भी है, 5 मिनट का काम है सिर्फ, है तो वेरी सिंपल थिंग, मेंटल मैथमेटिक्स है ये। चलो ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। प्रैक्टिकल के लिए न्यूमेरिकल्स भेज देंगे जी, प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स। हाँ प्रैक्टिस के लिए अभी मैंने निकाले नहीं है, चलो देखता हूँ, निकालूंगा भेज दूंगा, बट सोल्यूशन नहीं होगा उनका बाद मेरे पास। वैसे तो ये वेरिएशन इतनी है आपके पास, इतनी ही वेरिएशन के न्यूमेरिकल्स हैं, अदरवाइज आई कैन सजेस्ट यू पास्ट पेपर पकड़िए। ठीक है, उनके अंदर जितने हैं मैं भी देखता हूँ, अगर मैं भी निकालता हूँ पास्ट पेपर से, आई विल सेंड यू दैट। कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है जो नहीं होता है, वी विल डिस्कस इन द क्लास। ओके, मेरे को भी थोड़ा टाइम लगेगा उसको कॉपी करने के लिए। सो दिस इज अबाउट मैक्सिमम वेरिएशन आई हैव गिवन, कि जो जो अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन आ सकते थे। कर्ल फर्नांडिस साहब की बुक पकड़िए, उसमें भी 5-6 क्वेश्चन हैं, उनको भी अटेम्प्ट कीजिए, कहीं पे अटकते हो तो बताओ। ओके ओके सर, थैंक यू। यस ओके सर, थैंक यू। या